हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ डिफेंस को, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें टाइप वन क्वेश्चंस के बारे में लोग डिस्कस किए थे, हम लोग टाइप टू क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें कि टी आर जो आर एथ टर्म है, सीक्वेंस का आर एथ टर्म अगर टी आर है, वो इस तरह से लिखा जाता है कि टी आर इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। पी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर्स लिखे हुए हैं तो एल वन है, L2 है, और सपोज यहां पे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, L1 है, L2 है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन TR दिया गया होता है, और यहां पे हम देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4 है, क्योंकि दो लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, कुल मिलाकर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4 है, तो एटमोस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होना चाहिए और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन पी आर इज एट मोस्ट सपोज टू, मान लेते हैं मैक्सिमम डिग्री न्यूमरेटर का जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यहां पे देख सकते हैं 4 है, और Q यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 L2 लीनियर फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और जो Q है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम है, और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में इस बार सारे लीनियर फैक्टर ना होके दो लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तब उस केस में अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आ जाता है और क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे इसको, और इसको भी एल थ्री और एल फोर में फैक्टराइज कर लेंगे, लेकिन अगर ये फैक्टराइजेबल नहीं है, मान लो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तब उस केस में क्या करते हैं, जो रूल होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, जो फार्मूला यहां पे यूज होगा, वो फार्मूला क्या होगा, पी अपॉन एल वन इंटू एल टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू। एल वन इंटू एल टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू को हम लिख पाएंगे, इस बार इसको लिखेंगे हम लोग, जो जितने भी लीनियर फैक्टर उतने कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर लो, ए अपॉन एल वन प्लस बी अपॉन एल टू, जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं उतने कांस्टेंट न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस कर लो, और अगर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्यू तो उतने नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर हैं, वो अगर क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में एक डिग्री कम, यानी लीनियर फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मान लो सी आर प्लस डी है, कोई लीनियर फैक्टर को यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस होंगे क्यू वन क्यू टू है उतने नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जितने लीनियर फैक्टर्स हैं उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट, मतलब एक डिग्री कम न्यूमरेटर में होना चाहिए, लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट फीड करो, और क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर को फीड करना पड़ेगा। तो ये रूल है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का। तो यहां पर देख सकते हैं कि इस फार्मूले को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आप कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करो, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है तब न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर को इंट्रोड्यूस करो, और इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले चेक कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है यहां पे क्यू, क्या वो एल थ्री इंटू एल फोर में ब्रेक हो जाएगा, क्या फैक्टराइज हो जाएगा, अगर वो फैक्टराइज हो जाएगा तो वहां पर सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन अगर वो फैक्टराइज नहीं होता है, मान लो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो फैक्टराइज नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, तब उस केस में क्यू के लिए जो न्यूमरेटर में वैल्यू असाइन करनी होगी, इस बार लीनियर फैक्टर असाइन करनी होगी, सपोज सी आर प्लस डी,
वन डिग्री का कोई लीनियर फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और लीनियर फैक्टर के लिए न्यूमरेटर में क्या करना होता है, कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और फिर बीच में प्लस लगाना होता है। अब यहां से ए बी और सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे और इस एक्सप्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन में जब सारे फैक्टर लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में नहीं है तो वहां पे शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो पाएगा, तब वहां पे आपको बेसिक तरीका सीखना पड़ेगा और फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो टेक्निक है पूरे कई जगहों पे कैलकुलस में भी अलजेब्रा में भी ये बेसिक इस्तेमाल होता है। जब भी रैशनल फंक्शन जहां भी आएगा, जब भी किसी फंक्शन में पी बाई क्यू टाइप का फॉर्म होगा और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होगा, तब उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। और पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो तरीका होता है, डिग्री ऑफ कंडीशन क्या है, पहले डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होना चाहिए, तो मैंने पी का मैक्सिमम डिग्री 2 रखा है और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा है। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए रूल क्या होता है, अगर लीनियर फैक्टर होते हैं उतने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करो न्यूमरेटर में, और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है मतलब फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है लीनियर फैक्टर में, तब उसके लिए उतने लीनियर फैक्टर को हमें असाइन करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, एक डिग्री कम कर देते हैं ऊपर न्यूमरेटर के लिए, जैसे लीनियर है तो एक डिग्री कम कर दिया तो कॉन्स्टेंट आ गया ऊपर। ठीक उसी प्रकार अगर क्यूबिक होगा तो ऊपर क्वाड्रेटिक फिट कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, फार्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ा आसान है, क्वाड्रेटिक फैक्टर होने पर लीनियर फैक्टर्स का असाइनमेंट होगा ऊपर न्यूमरेटर में, बीच में प्लस लगाना है। तो दूसरा फार्मूला हो गया, जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखते हैं तो टाइप टू इसमें क्वाड्रेटिक यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, दूसरा फार्मूला ये होगा कि अगर मान लो कोई रेशनल फंक्शन है, मान लो कोई रेशनल सीक्वेंस है, रेशनल सीक्वेंस फंक्शन है, टी आर बोल देते हैं उसको, ठीक है, रेशनल फंक्शन है और आर यहां पे कोई भी नेचुरल नंबर या कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग यहां पे आर का, टी आर कोई रेशनल फंक्शन है और इसको इस तरह से लिखा गया हो पी अपॉन लीनियर फैक्टर एल वन इंटू एल टू इंटू एल थ्री स्क्वायर सपोज, ठीक है, एल थ्री स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है। तो यहां पे देखो ये क्वाड्रेटिक ही है लेकिन यहां पे एल थ्री इंटू एल थ्री है, तब उस केस में क्या करना होगा, इसका अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना हो तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या रूल होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए जो रूल यहां पे फॉलो होगा उसको लिख लेते हैं। तो दिस इज पी अपॉन एल वन मल्टीप्लाइड बाई एल टू मल्टीप्लाइड बाई एल थ्री स्क्वायर को हम लिख पाएंगे यहां पे। तो आप देखें दो लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और डिग्री ऑफ पी इज एटमोस्ट टू, मान लो जो न्यूमरेटर है पी पॉलिनोमियल है इज एटमोस्ट 2 है, मान लो इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4 है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एलिजिबल है, आसानी से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखें। अगर किसी सीक्वेंस फंक्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन टी आर के लिए होता है कि न्यूमरेटर में पी है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एटमोस्ट टू है, तब उस केस में क्या होगा? तब उस केस में डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं एल वन इंटू एल टू मल्टीप्लाइड बाई एल थ्री स्क्वायर। और यहां पे अगर इस तरह से एल थ्री स्क्वायर होता है, दो लीनियर फैक्टर और एक लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो, तो एक्चुअल में फैक्टराइजेबल होगा। लेकिन जो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल होता है, जितने लीनियर फैक्टर है उसके लिए तो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे न्यूमरेटर में, बी अपॉन एल टू कर लेंगे, और प्लस जो एल थ्री स्क्वायर है मतलब लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर है, उसके लिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि सी डिवाइड बाई एल थ्री कर लेते हैं प्लस डी डिवाइड बाई एल थ्री स्क्वायर कर लेते हैं। हम लोग चाहे तो यहां पर सी आर प्लस डी से यहां पर लिखा, हमने क्वाड्रेटिक के लिए सी आर प्लस डी यूज किया है, लीनियर फैक्टर इस्तेमाल किया है, उसी तरह से इस क्वाड्रेटिक एल थ्री स्क्वायर के लिए भी सी आर प्लस डी लिख सकते हैं। अगर ये आर का फंक्शन है, मान लो सारा डिनोमिनेटर में आर का फंक्शन है, तो सी आर प्लस डी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, अगर लीनियर फैक्टर का ही होल स्क्वायर लिखा हो तो यहां पे सी अपॉन एल थ्री लिखेंगे प्लस डी अपॉन एल थ्री स्क्वायर कर लेंगे। और इस तरह से इस रेशनल फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस तरह ये रूल है जो कि हमें याद रखने होंगे, इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का क्या रूल होता है। मतलब हर क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसके लिए न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और साथ में लीनियर फैक्टर के लिए न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम कर पाते हैं ठीक है। अब इसमें हर्ष पांडे पूछ रहे हैं सी आर प्लस डी लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक होता है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में हमें क्या लेना पड़ता है, सी आर प्लस डी यानी लीनियर फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और अगर लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में 10 डिग्री का पॉलिनोमियल यानी कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हर क्वाड्रेटिक के लिए जो न्यूमरेटर में साइन होगा वैल्यू, वो लीनियर फंक्शन होगा, आर का लीनियर फंक्शन। अगर क्वाड्रेटिक आर का क्वाड्रेटिक फंक्शन क्यू है तो न्यूमरेटर में आर का लीनियर फंक्शन असाइन करना पड़ता है। ठीक है, हाँ ठीक है। और एल टू में, और सर टू दिव्यांश यादव बोल रहे हैं टू में एल थ्री क्या है, एल थ्री मतलब कोई लीनियर फंक्शन है, मान लीजिए एक आर प्लस वन है, एक आर प्लस टू है, एक टू आर प्लस फाइव है, तो एल थ्री स्क्वायर मान लो टू आर प्लस फाइव का होल स्क्वायर है। तो 2r प्लस 5 का अगर होल स्क्वायर है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक एक तरह से यहां पे है लेकिन लीनियर फंक्शन अगर रिपीटेड है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार c अपॉन l3 लिख दें और एक बार d अपॉन l3 स्क्वायर लिख दें तब भी चलेगा। l3 स्क्वायर को हम लोग अलग अलग दो हिस्सों में भी ब्रेक कर सकते हैं जहां पे c और d क्या है, कॉन्स्टेंट है, या फिर हम लोग चाहे तो यहां भी सी आर प्लस डी करके डिवाइड बाई एल थ्री स्क्वायर भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों के दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ओके, देखो एग्जांपल करते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, हर क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और लीनियर फैक्टर के लिए
कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और बाय द वे मान लो कभी लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर आ जाता है, रिपीटेड आ जाता है, तो सी अपॉन एल थ्री प्लस डी अपॉन एल थ्री स्क्वायर भी कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है, इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसके आगे, देखते हैं इस तरह किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह के सीरीज में इसको कैसे हम लोग यूज कर पाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। चलिए, अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, कंसीडर अ सीक्वेंस फंक्शन, ठीक है, कंसीडर अ सीरीज, सपोज कोई सीरीज हम लोग यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से अ सीरीज इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है, वन डिवाइड बाई वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर फोर। ठीक है, या फिर इसका सारे टर्म्स की वैल्यू लिखी जाए, वन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन टू द पावर फोर प्लस सेकेंड टर्म दिया है टू डिवाइड बाई वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू टू द पावर फोर प्लस थर्ड टर्म में थ्री अपॉन वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री टू द पावर फोर। चलिए, और इस तरह से अप टू nth टर्म तक सीरीज को ले गया। अब यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो सीरीज में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का है कि फाइंड nth टर्म, दूसरा है आल्सो फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स एंड इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, एन टर्म्स और इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें पता करना है। तो देखो, इस तरह का कोई सीरीज अगर हमें लिखा हो, इस तरह से दिया हो सीरीज का वैल्यू, तो यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले इसका एनथ टर्म कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, हाँ, अब क्योंकि आदित्य कुमार पटेल पूछ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में L3 स्क्वायर है, अगर डिनोमिनेटर में L3 स्क्वायर है तो कैसे हमने उसको CR प्लस D अपॉन L3 स्क्वायर भी कर सकते हैं, और या फिर C अपॉन L3 प्लस D अपॉन L3 स्क्वायर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि CR प्लस D को अगर हम अलग अलग ब्रेक करें, जैसे CR प्लस D को अगर अलग अलग दो हिस्सों में ब्रेक कर लें और नीचे L3 स्क्वायर है, कोई लीनियर फंक्शन का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं। एक बार न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन का पॉइंट बनाएंगे और एक कॉन्स्टेंट वाला पार्ट बनाएंगे, तो C अपॉन L3 हो जाएगा, दूसरा वाला पार्ट होगा D अपॉन L3 स्क्वायर। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाते हैं, ऐसे बोल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक फॉर्मूली तरह आप इसको देख लीजिए और उसको धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर लेंगे। ठीक है, जरा इसका nth टर्म लिख के बताएं कि सीरीज का nth टर्म कैसे लिखेंगे। तो पहला टर्म सीरीज का यहां पे लिखा हुआ है, दूसरा टर्म भी सीरीज का लिखा हुआ है, तीसरा टर्म भी सीरीज का लिखा हुआ है t3, तो क्या हम लोग इसका nth टर्म लिख सकते हैं। तो अगर nth टर्म लिखा जाए तो दिस विल डेफिनेटली भी, आप देखें हर टर्म के न्यूमरेटर पे फोकस कीजिए, तो सारे टर्म्स के न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर की वैल्यू n है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है, तो देखिए हर टर्म के न्यूमरेटर में वन टू थ्री इस तरह से चेंज हो रहा है, एपी बन रहा है, तो न्यूमरेटर का अलग से पैटर्न बनाए तो वन टू थ्री बन रहा है, तो nth टर्म में क्या आएगा, तो ऑब्वियसली nth टर्म में क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी वही बात है, आप देखें सबसे पहले वन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन का पावर पावर फोर है, सेकंड में वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू का पावर फोर है, तो nth वाले में क्या होगा, वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन का पावर फोर होगा। ये tn लिख पाएंगे हम लोग आसानी से, तो पहला पार्ट तो बड़ा इजी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम लिख पाते हैं। विशाल यादव सही लिखे हैं, वरुण पाठक भी सही है, स्नेहा गुप्ता का भी सही है, प्रसन्न त्रिपाठी भी सही लिखे हैं, वो सभी लोग इसमें टीएन सही से निकाले हैं।
अब इन सारे टर्म्स का हमें सम करना है, तो जब सारे टर्म्स का सम करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फॉर सम ऑफ एन टर्म्स क्या करना होता है, अब एन टर्म्स के सम के लिए हमें जनरल टर्म से शुरुआत करनी होगी, टी आर से शुरुआत करनी होगी, आर यहां पे नेचुरल नंबर है और टी आर की वैल्यू होगी आर डिवाइड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। अब जरा ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर का डिग्री यहां पे 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 4 है, ठीक है, तो न्यूमरेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 4 है, तो हम यहां पे इसको फैक्टराइज करके डिनोमिनेटर को दो क्वाड्रेटिक फंक्शन में फैक्टराइज कर सकते हैं, और जैसे ही फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, अब मैंने बता रखा है कि इस तरह का जब एक्सप्रेशन आता है तो किस तरह फैक्टराइज होगा, तो डिनोमिनेटर को हम लिख पाएंगे 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, तो दो क्वाड्रेटिक फंक्शन में फैक्टराइज कर लेते हैं, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख पाते हैं आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर या 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, यानी 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर एक फैक्टर होगा और एक होगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, मतलब 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर। तो आप देखो न्यूमरेटर का डिग्री यहां पे कितना हो गया बताइए 1 और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना हो गया 4, तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। कैसे रिजॉल्व करना होगा, क्यू वन और एक क्यू टू है, तो मैंने पिछले क्लासेस में आपको पता होगा एक क्वेश्चन हमने किया था और वहां शॉर्टकट यूज किया था। अब यहां पे लोग शॉर्टकट अगर नहीं जानते हैं, मान लो जल्दी से ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट से एक लाइन में पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया था, लेकिन यहां पर हम जो रूल है उसको फॉलो करें, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर यहां पर देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए जरा पार्शियल फ्रैक्शन का जो बेसिक रूल है उसके थ्रू जाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं क्योंकि जब इस तरह के सीरीज में जब टी आर की वैल्यू पी बाई क्यू टाइप का होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन करने का क्या रूल होगा, तो दोनों के दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक हैं, तो हमने बता रखा है कि जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलता है तो हर क्वाड्रेटिक के लिए न्यूमरेटर में हम लीनियर फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे पहले वाले क्वाड्रेटिक के लिए ए आर प्लस बी इंट्रोड्यूस करेंगे और दूसरे वाले क्वाड्रेटिक के लिए सी आर प्लस डी इंट्रोड्यूस करेंगे। ये इसका रूल होता है अगर फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो इस बार आप देखो दोनों के दोनों फैक्टर यहां पर दोनों के दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक हैं डिनोमिनेटर के। सबसे पहले चेक करना है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक हैं। तो एक क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग ऊपर लीनियर फंक्शन असाइन करेंगे ए आर प्लस बी और इस वाले क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर फंक्शन असाइन करेंगे सी आर प्लस डी। अब यहां से ए बी और सी डी का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा और जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो सिग्मा टी आर करना आसान हो जाता है। मतलब मेन काम है कि जब भी कोई सीरीज में Tn का नेचर p बाई क्यू टाइप का हो तो पहला काम करना है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर देना है और जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर पाते हैं सिग्मा करना आसान हो जाएगा, सिग्मा करना इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ दिव्यांश यादव, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, एक ही बात है 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर लिखें चाहे 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर लिखें, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर लिखें चाहे 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर लिखें, तो दोनों का एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें यहां से ए बी सी डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, दोनों तरफ के डिनोमिनेटर को सेम करके न्यूमरेटर को आइडेंटिकल बनाना है, दोनों तरफ हम लोग डिनोमिनेटर को अगर सेम कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहां पर देखो 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर और 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, इसको अगर कॉमन ले लें तो न्यूमरेटर में क्या बचने वाला है, ए आर प्लस बी मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर मिल रहा है और सी आर प्लस डी मिल रहा है, 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर मिल रहा है और इधर आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर बना और 1 प्लस आर स्क्वायर बना। अब दोनों तरफ के डिनोमिनेटर को हमने सेम कर लिया
तो न्यूमरेटर आइडेंटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए हर बार दोनों तरफ का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। हाँ, दोनों तरफ के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। अभी आखिरी पॉइंट है, इसको सही से समझ लेगा हम लोग तो पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं। हालांकि सीरीज में तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, जितना बताया मोर देन सफिशियंट है, लेकिन आगे कभी कोई चैप्टर्स में भी रेशनल फंक्शन के केस में पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करके कंपेयर कर पाएंगे। तो दोनों तरफ के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं और न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा जरा बताइए। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, तो आर को इससे कंपेयर करो कितना मिलेगा, ए आर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस आर स्क्वायर हो गया, और प्लस सी आर प्लस डी वन माइनस आर प्लस आर स्क्वायर हो गया। चलिए अब कंपेयर करके हमें ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो अब दोनों तरफ आइडेंटिकल, दिस इज आइडेंटिकलिटी, ठीक है, दोनों तरफ आइडेंटिकल वैल्यूज हैं। अब मुझे ए बी और सी डी की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली बराबर हो जाए। तो कैसे कंपेयर करके ए बी सी डी निकालेंगे उसको समझते हैं जरा। तो मल्टीप्लाई करेंगे और करेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू हमने प्रोपोर्शनल करके भी निकाल सकते हैं। जरा ट्राई कीजिए कैसे निकालेंगे इसमें ए बी सी डी का वैल्यू जब दोनों तरफ आपस में बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके, ठीक है, अब हमें इसको कंपेयर कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके हमें यहां पे इक्वेशंस बनाने हैं, और चार अननोन्स हैं। यार अगर बेसिक के थ्रू जाएंगे, शॉर्टकट इसका बहुत ही आसान था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, बेसिक के थ्रू जाएं अगर क्लासिकल तरीके से सॉल्व करना चाहें कि एबीसीडी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे पूरी तरह से, तो फॉलो करेंगे एक रूल होता है। इस तरह से एबीसीडी का वैल्यू निकालने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ के डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, और डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद न्यूमरेटर आइडेंटिकली इक्वल होंगे, उसे हमें एबीसीडी का वैल्यू मिल जाएगा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम देखें मल्टीप्लाई करने पर आर क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा। आर के सारे रियल वैल्यू के लिए दोनों तरफ वैल्यू बराबर है, इक्वेशन हम आसानी से बना सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर करूं, तो लेफ्ट यहां पे चार अननोन है तो चार इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो आर क्यूब का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में मैक्सिमम डिग्री आर क्यूब होगी, थ्री डिग्री होगा, तो दोनों तरफ आर क्यूब का कोएफिशिएंट का कलेक्ट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आर क्यूब का कोएफिशिएंट जीरो है। फिर आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, फिर आर का कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, फिर कॉन्स्टेंट टर्म को कलेक्ट करो। इतना करने के बाद हमें ईबी और सीडी का वैल्यू मिल जाएगा। जरा आर क्यूब का कोएफिशिएंट कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ आर क्यू बोथ साइड, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आर क्यू है ही नहीं, तो आर क्यू का कोएफिशिएंट अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो जीरो है, और राइट हैंड साइड में आर क्यूब का कोएफिशिएंट पहले वाले में तो केवल एक ही बार आएगा, दैट इज ए आर क्यू, मैं यहां से ए मिलेगा और यहां से कितना मिलेगा सी आर क्यूब, यानी ए प्लस सी मिलने वाला है। आर क्यूब का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में ए प्लस सी मिलेगा, और बाकी तो कहीं आर क्यूब मिलने वाला नहीं है, कहीं से किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब केवल एक ही बार मिल रहा है, इसमें भी आर क्यूब केवल एक ही बार मिल रहा है ए प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड में आर क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। तीसरा, दोनों तरफ पॉलिनोमियल्स हैं और कंपेयर करें कोएफिशिएंट को, बोल रहा है दोनों आइडेंटिकली इक्वल होंगे, तो आर क्यूब का कोएफिशिएंट भी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इधर तो आर क्यूब है ही नहीं, इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। इसके बाद फिर आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट आता है, कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर अगर कंपेयर करें दोनों तरफ, तो जरा राइट हैंड साइड में केवल आर स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे फोकस किया जाए, तो आर स्क्वायर कहां कहां मिल सकता है, तो अब इसलिए यहां पे क्या मिलेगा जरा बताइए, ए मिलेगा प्लस बी मिलेगा, क्योंकि ए आर स्क्वायर, ए आर में आर से मल्टीप्लाई करें तो ए आर स्क्वायर बन सकता है, बी आर स्क्वायर मतलब यहां से ए प्लस बी मिला पहले वाले ब्रैकेट में,
आर स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे, और यहां पे देखो कितना मिल पाएगा, माइनस सी प्लस डी मिलेगा, तो ए प्लस बी मिल रहा है, और यहां दूसरे वाले ब्रैकेट में मिल रहा है माइनस सी प्लस डी, और लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आर स्क्वायर भी मिसिंग है, तो वो भी जीरो के बराबर होगा। सॉल्व करके एबीसीडी निकालना चाहते हैं तो इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगला एक कोएफिशिएंट किसका होगा, चार इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ आर बोथ साइड। अब दोनों तरफ आर का कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, तो आर का अगर कोएफिशिएंट कलेक्ट करते हैं राइट हैंड साइड में तो क्या मिलेगा, तो राइट हैंड साइड में आर का कोएफिशिएंट यहां पे ए मिल रहा है, प्लस बी मिल रहा है, प्लस सी मिल रहा है, और माइनस डी मिल रहा है। तो ए प्लस बी और आर का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, प्लस सी और माइनस डी। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, आर का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में वन है, इक्वेशन नंबर थ्री। यहां देखें आर की कोएफिशिएंट की जब बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आर का कोएफिशिएंट अवेलेबल है वन है, और कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो जब कांस्टेंट टर्म बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट तो है ही नहीं, वो जीरो है, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना मिलेगा, यहां से बी मिलेगा, यहां से डी मिलेगा। तो केवल हम कोएफिशिएंट पे फोकस करें तो बी प्लस डी का वैल्यू भी जीरो के बराबर आ जाएगा। अब जरा देखो आर के कोएफिशिएंट के अलावा और कुछ भी यहां पे नहीं है, तो आर क्यूब का कोएफिशिएंट भी राइट हैंड साइड से कलेक्ट किया, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड से कलेक्ट किया, कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड से कलेक्ट किया, और आर के कोएफिशिएंट को कलेक्ट किया तो वन के बराबर आया। अब इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एबीसीडी निकाल लेते हैं, जरा एक बार ट्राई करें। हाँ इसको कर लेंगे अभी, जरा इसको पहले सब लोग अपने से एक बार बेसिक तरीके से करके देखें। तो इक्वेशन नंबर वन टू थ्री और फोर को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एबीसीडी का वैल्यू आ जाएगा, और सब लोग एबीसीडी की वैल्यू जरा निकाल के दिखाएं, सबका अलग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है, बट ट्राई कीजिए सब लोग अपने से। फोर इक्वेशन सिंपल इक्वेशन बन रहे हैं और सॉल्व करके निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ट्राई कीजिए जरा इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर। B equals to half, A equals to zero, C equals to zero, A equals to zero, C equals to zero, okay, Gaurav Kesarwani, and B equals to half, D equals to half. So we can easily solve to find the value of A. The value of A, आप देखो equations को add कर सकते हैं यहाँ से आसानी से हम लोग। Equation number two और equation number three को add करें तो A plus B यहाँ मिलेगा, C से C कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो A plus B यहाँ twice of A plus B zero plus one आएगा। ए प्लस बी वन बाई टू आ जाएगा, और यहां से हम ए माइनस बी निकाल लें, ए माइनस यहां से ए माइनस बी, या हम लोग यहां पे फिर डी को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तो वैल्यू ऑफ डी विल कम्स आउट टू बी, वैल्यू ऑफ डी विल कम्स आउट टू बी माइनस हाफ। बी और डी दोनों सेम नहीं है, बी का वैल्यू हाफ है, तो सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, तो डेफिनेटली ए का वैल्यू जीरो आ रहा है, बी का वैल्यू प्लस हाफ आ रहा है, C का वैल्यू जीरो आ रहा है, और D का वैल्यू माइनस हाफ आ रहा है। देखो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D निकालेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हमें क्लास सेवन से पढ़ा जा रहा है, नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हैं, तो गौरव केसरवानी सही निकालें, D इक्वल्स टू माइनस हाफ, A इक्वल्स टू जीरो, B इक्वल्स टू हाफ, C इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एंड D इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो B प्लस डी, इस तरह से B प्लस डी जीरो है, तो हम लोग ये चारों अननोन्स की वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं, इक्वेशंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर A B C D की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए जरा यहां कितना आ रहा है, तो यहां से पता लग रहा है कि A का वैल्यू जीरो, B का वैल्यू हाफ, C का वैल्यू जीरो और D का वैल्यू माइनस हाफ आ रहा है। आराध्या गौंड ने सही निकाला, ए बराबर जीरो, बी बराबर हाफ, सी बराबर जीरो एंड डी इक्वल्स टू माइनस हाफ, डी इक्वल्स टू माइनस हाफ, ओके। वरुण पाठक ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। सब लोग फास्ट कीजिए, सबका सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। एक बार ट्राई कीजिए एबीसीडी निकालने के लिए। जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन डिनोमिनेटर में है उनके लिए न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन को असाइन करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए अगला लीनियर फंक्शन सीआर प्लस डी होगा। तो हर क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए एक न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन असाइन करना पड़ता है। और इस तरह से हम आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टर इसको रिजोल्व कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं। तो एबीसीडी की वैल्यू यहां से अगर आ जाती है, ध्यान रखिए जो हम लोग शॉर्टकट से वैल्यू निकाल ले रहे थे लेकिन यहां पे हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और एबीसीडी निकालने की कोशिश की। फास्ट कीजिए सब लोग, कोशिश कर लीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। हर्ष पांडे सही निकाले हैं, आदित्य कुमार पटेल भी सही निकाले हैं, सिद्धांत भी सही निकाला है, आराध्या गौन भी सही निकाली है। देखो यहाँ बहुत बहुत ही आसान है, a प्लस सी और b प्लस डी बराबर है, तो हम a प्लस सी के प्लेस पे b प्लस डी भी रख सकते हैं, यहां से b का वैल्यू हाफ आ जाएगा। अब a प्लस सी का वैल्यू भी जीरो है और b प्लस डी का वैल्यू भी जीरो है, तो a प्लस सी के प्लेस पे b प्लस डी रख दीजिए। जैसे यहाँ b प्लस डी रखेंगे तो 2b बराबर 1 और b बराबर हाफ आ जाएगा। जब b बराबर हाफ आएगा तो c माइनस हाफ आ जाएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा और a का वैल्यू आ जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग a प्लस सी के प्लेस पे b प्लस डी ट्रांसफर करके चारों पैरामीटर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ऐसा कर पाते हैं, इस इक्वेशन नंबर स्टैंडर्ड जो एक फार्मूला में लिखा है उस फार्मूले में वैल्यू ट्रांसफर करें तो क्या मिलेगा। हेंस जो टी आर बन रहा है, टी आर ध्यान दीजिए, टी आर आर एफ टर्म जो बन रहा है वो किस तरह से लिखा जा सकता है। तो आर एफ टर्म लिखे तो ए के प्लेस पे जीरो रख दिया, बी के प्लेस पे हाफ रख दिया, सी के प्लेस पे जीरो और डी के प्लेस पे माइनस हाफ रख दिया। तो दिस इज कन्वर्टेड इंटू 1/2। ए के प्लेस पे जीरो रख दीजिए, बी के प्लेस पे हाफ रख दीजिए, यहां मिल रहा 1/(1 - r + r²) और माइनस सी के प्लेस पे जीरो, डी के प्लेस पे माइनस हाफ, तो माइनस हाफ है तो हाफ कॉमन ले रखा है, 1 + r + r²। ये टी आर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको अगर चेक करिएगा तो एक कॉन्स्टेंट है के, और इस वाले फंक्शन को अगर आर का फंक्शन मानेंगे तो अगला वाला फंक्शन टोटालिटी में क्या होना चाहिए, r+1 का फंक्शन होना चाहिए। लिख लीजिए, तो पहला वाला फंक्शन अगर r का फंक्शन बन रहा है तो दूसरा वाला फंक्शन r+1 का फंक्शन बनना चाहिए, इसको k मान लेते हैं, fr - fr+1। इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे इस बात को चेक कर पाएंगे, बहुत ही आसान है, मैंने बता रखा है आपको अगर याद होगा कि r² - r है, यहां पे r² + r है, तो r² - r अगर देखें और एक एक्सप्रेशन r² + r है, तो जब भी r² - r मिल रहा हो r² - r को हम लिख सकते हैं r - 1 × r, और एक r² + r है तो r × r+1 लिख सकते हैं। इसको अगर हम पूरी तरह से r का फंक्शन माने तो r+1 का फंक्शन है, क्योंकि r के प्लेस पे r+1 रखा गया है, तो अगला वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो टोटलिटी में 1/(1 - r + r² को अगर एफ आर मान रहे हैं तो अगला वाला फंक्शन fr+1 का फंक्शन बन रहा है। ठीक है, और इसको आसानी से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर पा रहे हैं। और जैसे सिग्मा टी आर करना होगा तब क्या करना पड़ेगा, जैसे लोग ये तभी हम लोग सिग्मा टी आर इसके बाद प्रोसेस कर पाएंगे, क्योंकि पहला वाला आर का फंक्शन है तो अगला r+1 का फंक्शन बन रहा है। और ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। और सिग्मा टी आर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही सिग्मा टी आर करते हैं तब देखिए क्या होगा, मैं अप्लाई फॉर सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स सिग्मा टी आर के लिए क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक वेरी कर रहा है,
तब इसका फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट को फर्स्ट वाले में रखेंगे आर के प्लेस पे और अपर लिमिट को दूसरे वाले फंक्शन में रखेंगे और इसका आंसर कितना आएगा, सम ऑफ एन टर्म्स का वैल्यू होगा 1/2 और 1 को पहले वाले में रखें फर्स्ट का फर्स्ट मिलेगा तो 1/1 आ रहा है और n अपर लिमिट n को बड़े वाले डोमेन में यहां पे रखेंगे तो मिलेगा -1/(n+n²). ये सम ऑफ n टर्म्स का आंसर आ गया। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना होगा तब क्या करना होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी बोलते हैं, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी बोलेंगे, n को इंफिनिटी रख दें, तब उस केस में सिग्मा टी आर की वैल्यू कितनी होगी, यानी सीरीज को अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक सम करें तब आंसर क्या होगा, तब उसमें n के प्लेस में इंफिनिटी रखने पर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और आंसर 1/2 आएगा। तो मेन पार्ट यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन का है जो ज्यादा लेंदी होगा और मैंने आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस आर दिख रहा हो तो जल्दी से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजोल्व करते हैं उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन रिजोल्व करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर पाएंगे। शॉर्टकट क्या हो सकता है, पूरा प्रोसीजर ना फॉलो करके डायरेक्ट हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर पाते, लेकिन वहां पे हमें क्या करना होता है कि इसमें कोई फॉलो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आर स्क्वायर माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस आर दिखना शुरू होता है तो वहां पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली 0.5 हाँ। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे r के प्लेस पे 1 रखा एक बार, फिर r के प्लेस पे 2 रखा, फिर r के प्लेस पे 3 रखा, सबको जोड़ा गया है। तो जोड़ने का जो तरीका होगा प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, तो सारे टर्म्स को r बराबर 1, 2, 3, 4 रख के अगर ऐड करें तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे, 1/2 मिलेगा r बराबर 1 रखने पर, यहां मिलेगा 1/1 r के प्लेस पे 1 रखने पर 1-1+1 और यहां पे 1 रखने पर 1/3, आर बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा, 2 रखने पर यहाँ पे मिलेगा 3, आप चेक कर सकते हैं 1-2+4 और यहाँ पे 2 रखने पर क्या मिलेगा 1+2+4 दैट इज 1/7। आर बराबर 3 रखने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले वाले 1/7 फिर -1/13। इस तरह से हम लोग आर की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखें तो बीच में सारे टर्म्स डायगोनली कट जाएंगे और फर्स्ट का फर्स्ट मिलेगा, देखो यहाँ डायरेक्टली लिखा गया है, और लास्ट का लास्ट मिलेगा और लास्ट वाले का लास्ट क्या मिलेगा बताइए, 1/2 और आखिरी वाले में n रखेंगे तो 1/(1-n+n²) और -1/(1+n+n²) और आखिरी वाले का लास्ट वाला पार्ट कलेक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, सब 1/2 तो कॉमन ही होगा। तो इस तरह से हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस को हम डायरेक्टली टेलीस्कोपिक मेथड इसको बोलते हैं, डायरेक्ट देख के हम लिख लिख पाएंगे। अगर एक r का फंक्शन बनता है और अगला r प्लस 1 का फंक्शन बनता है तो सिग्मा करने के लिए हम लोग जल्दी से इसको लिख पाएंगे, फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट कैसे लिखते हैं, जो लोअर लिमिट आर बराबर 1 उसको फर्स्ट वाले में रख देते हैं और जो अपर लिमिट आर बराबर n उसको दूसरे वाले में रख देते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं, दैट इज नोन एज टेलीस्कोपिक मेथड। जल्दी से देख सकते हैं लेकिन तब कर पाएंगे जब फर्स्ट वाला आर का फंक्शन हो और बीच में माइनस हो अगला फंक्शन आर प्लस 1 का फंक्शन, इसका सिग्मा करना हो तो आर की वैल्यू 1 से लेके n तक रखेंगे, ठीक है, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको जल्दी से करने के लिए मैंने बता रखा था, आपको याद होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो सेम क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो ना करते शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं उसके लिए हिंट था यहां पे, आपको ध्यान दीजिए। तो अल्टरनेट अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का,
शॉर्टकट क्या है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट यहां पे क्यों लग रहा है जरा उसको देखिए। तो टी आर जो यहां पे एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर में आर है और डिनोमिनेटर में वन माइनस आर प्लस आर स्क्वायर हमने फैक्टराइज किया, दूसरा फैक्टर वन प्लस आर स्क्वायर बना। तो जब भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिख रहा हो जहां पे आर स्क्वायर माइनस आर फर्स्ट वाला फैक्टर मिल रहा हो और आर स्क्वायर प्लस आर दूसरा वाला फैक्टर मिल रहा हो, तो एक आर का फंक्शन होता है, इसको याद रख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस आर अगर मिल रहा हो और कोई कॉन्स्टेंट यहां पे कुछ भी हो, कॉमन कॉन्स्टेंट है यहां पे वन वन कॉमन है, एक आर का फंक्शन है तो अगला आर प्लस वन का फंक्शन है। तो इसका शॉर्टकट ये होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए एक फैक्टर को इधर से ब्रेक कर लो, एक फैक्टर को इधर से ब्रेक कर लो और बीच में माइनस लगा लो। तो दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन वन माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करने की हिम्मत करते हैं, मतलब हालांकि रूल कोई नहीं है लेकिन ऐसे केसेस में हम ऐसा कर पाए जल्दी से हो जाएगा, वन प्लस आर स्क्वायर। ऐसा करके बाद देखेंगे न्यूमरेटर बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जरा आप देखो डिनोमिनेटर तो एलसीएम लेने पर ही आएगा सेम, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा जरा देखो, तो वन प्लस आर स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा माइनस वन माइनस आर प्लस आर स्क्वायर न्यूमरेटर में आ रहा है, तो वन प्लस आर स्क्वायर से वन प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा और टू आर मिलेगा और हमें कितना चाहिए, आर चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा वन बाई टू, तो वन बाई टू ऑटोमेटिकली आ गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट है जो हमें जल्दी से लिखने के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन तब फायदा हम लोग पाएंगे जब यहां पे डिनोमिनेटर बहुत ही पर्टिकुलर हो, एक आर स्क्वायर माइनस आर दिख रहा हो और अगले वाले में आर स्क्वायर प्लस आर दिख रहा हो, तो शॉर्टकट पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे और ये फंक्शन पूरी तरह से आर का फंक्शन अगर एज्यूम होगा तो अगला फंक्शन आर प्लस वन का फंक्शन बन जाएगा, आर प्लस वन का फंक्शन बन जाएगा। अब इसका सिग्मा करना आसान हो जाता है और सिग्मा टी आर हम यहां पर कर सकते हैं, आर का फंक्शन है और ये आर प्लस वन का फंक्शन है। हाँ अब यहां पे अच्छा कुछ सवालों में ये तो शॉर्टकट यूज हो जाता है, लेकिन इन जनरल अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा तो मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और रूल क्या है, हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं ऐसा क्यों किए, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर के अंतर्गत इसको देखते हैं। तो व्हाट इज द प्रोसीजर, तो क्या करना होगा कि जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, हर क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर को असाइन करना पड़ेगा, वहां से एबीसीडी का वैल्यू निकालें तब भी हमें पता लग रहा था कि यहां पे हाफ आएगा और इसका पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से हो पाएगा और ऐसा कर पाते हैं। एक आर का फंक्शन बना, दूसरा आर प्लस वन का फंक्शन बना, तो सिग्मा टी आर लिखना एक लाइन का क्वेश्चन हो जाता है और सिग्मा टी आर करने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आर बराबर वन आर बराबर एन है, आंसर क्या होगा बताइए, वन बाई टू कॉमन ले लीजिए, लोअर लिमिट वन को फर्स्ट में रख दीजिए और अपर लिमिट एन को लास्ट वाले में रख दीजिए, तो लास्ट का लास्ट मिलेगा और वही आंसर फिर से यहां से प्राप्त हो रहा है। यहां पे केवल दो स्टेप में आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए एक अब मेमोराइज करना पड़ेगा आपको कि आर स्क्वायर माइनस आर फंक्शन है तो अगला आर स्क्वायर प्लस आर दिखना चाहिए, अगर ऐसा है तो शॉर्टकट यूज होगा, एक बार ट्राई कर सकते हैं, फायदा मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता है, यहां पर कोई डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे आर स्क्वायर माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस आर दिख रहा हो तो इस प्रकार पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रीअरेंज कर सकते हैं जल्दी से, विदाउट नोइंग एक्चुअल मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन डू पार्शियल फ्रैक्शन लाइक दिस, शॉर्टकट यूज करके कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं देखो यहां पे, और एस इंफिनिटी अगर निकालना हो तो एस इंफिनिटी की वैल्यू हाफ आ जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर टू जरा इस बार अपने से करिए, ट्राई करते हैं सब लोग, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ R डिवाइड बाई 4R टू द पावर 4 प्लस 1 सिग्मा R वेरिंग फ्रॉम 1 से N लिमिट N टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। चलिए ट्राई करता हूं, तो N टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है और सिग्मा TR करना है, ठीक है। इस बार टी आर कितना, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स करना है, और इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि सीरीज का पहला टर्म अगर लिखा जाए तो पहला टर्म कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 का पावर 4 प्लस 1, दूसरा टर्म क्या होगा 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 1, तीसरा टर्म क्या होगा 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 का पावर 4 3 का पावर 4
प्लस वन, इस तरह से एन एनथ टर्म तक जाना है और फिर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी निकालना है। और इसमें बोल रहा है कि एन को इनफाइनाइट भी कर दो, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसका टीएन लिखने की और इसके बाद फिर सम करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे कई बार सिंबॉलिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्वेंस फंक्शन का अगर देखो रूल कैसा है, तो पी बाई क्यू टाइप का है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है बताइए, वन है। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, फोर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इलिजिबल है, तो यहां पे टी आर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली टी आर लिख के दिया हुआ है। तो बोल रहा है पहले एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम कीजिए और फिर एन को इनफाइनाइट कर दीजिए और लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी भी करना है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा सकता है, दो तरह से क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम लोग कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना है। तो इस सीरीज को ऐसे लिख के बोलेगा एन को इन्फिनिटी कर दो, या फिर इसमें बोल सकता है भाई कि पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको, तो टी आर गिवन है, इसका सिग्मा करना है। चलो एक बार देखते हैं क्या होगा। तो R डिवाइड बाई 4R टू द पावर 4 प्लस 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए आप जनरल टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस यानी जनरल टर्म TR कितना है, तो TR यहां पे है R डिवाइड बाई 4R टू द पावर 4 प्लस 1। इस तरह का सीरीज दिया गया है। अभी P बाई क्यू टाइप का सीरीज है, इसको हम लोग रैशनल सीरीज बोलते हैं। आप देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यहां पे ऑटोमेटिकली कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने की सोचेंगे, और जब फैक्टराइज करेंगे तो पहला फैक्टर क्या मिलेगा, 2R² का होल स्क्वायर, 2R² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2R का होल स्क्वायर। A² माइनस B² यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई, पहला फैक्टर क्या होगा 2R² माइनस 2R प्लस 1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 2R² प्लस 2R प्लस 1। अच्छा यहां देखो, यहां पे भी हमें दिख रहा है शॉर्टकट है, अगर 2 कॉमन लेते हैं R² माइनस R और यहां 2 कॉमन लेते हैं यहां पे R² प्लस R है। ये तो तरीका यहां पे है कि पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ABCD निकाला जाए, कि पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो रूल है उसको फॉलो किया जाए, या यहां पे डायरेक्टली शॉर्टकट कर सकते हैं, इसको इधर ब्रेक कर लें, इसको इधर ब्रेक कर लें, तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। देख तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ABCD निकाल सकते हो। अब देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा है, और दोनों के दोनों यहां पे Q1 Q2 है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हर क्वाड्रेटिक के लिए न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन असाइन होता है। इसके लिए AR+B असाइन होगा और इसके लिए CR+D असाइन होगा। R का फंक्शन है तो AR+B और CR+D असाइन होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे और वहां से फिर ABCD का वैल्यू निकालेंगे। ट्राई कीजिए अपने से एक बार क्या करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, तो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन रूल क्या होता है, R डिवाइड बाई 2R² माइनस 2R+1 इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं एक फैक्टर मिल रहा है R डिवाइड बाई दिस, और दूसरा फंक्शन मिल रहा है 2R² प्लस 2R+1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इस क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर हमें फीड करना पड़ेगा AR+B 2R² माइनस 2R+1, और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए फीड करना पड़ेगा CR+D 2R² प्लस 2R+1। तो जनरल मेथड क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, बेसिक तरीका क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, वो ये होता है। तो देखना पड़ेगा कि क्या एक पार्शियल फ्रैक्शन में करने के लिए एलिजिबल है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, तो हर क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर आएगा। तो यहां पे A, B और CD मिलेगा। जरा इसको कंपेयर करें दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को,
और फिर कंपेयर करके एबीसीडी का वैल्यू निकालें। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, आर इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू, यहां डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इधर मिलेगा ए आर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टू आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन प्लस मिलेगा सी आर प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई टू आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको और यहां से एबीसीडी निकालने की कोशिश करनी होगी। अब दोनों तरफ पॉलिनोमियल को कंपेयर कीजिए, आइडेंटिटी हो जाता है, न्यूमरेटर दोनों तरफ आइडेंटिकली इक्वल होंगे। चलिए हम कंपेयर करिए, आर क्यूब का कोएफिशिएंट, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट, आर का कोएफिशिएंट और कॉन्स्टेंट दोनों तरफ कंपेयर करके ए बी सी और डी का वैल्यू निकालते हैं। तो बार कोशिश कीजिए सब लोग, यहां पे कैसे निकलेगा आर क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ आर क्यूब हो जाएगा, दोनों तरफ अगर कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड में आर क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होगा, टू ए प्लस टू सी, और लेफ्ट हैंड साइड में आर क्यूब का कोएफिशिएंट मिसिंग है, दैट विल बिकम जीरो। कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर का कितना कोएफिशिएंट होगा, दैट टू ए प्लस टू बी। अब देखो आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा टू ए प्लस टू बी और यहां से कितना मिलेगा बताइए, माइनस टू सी और प्लस टू डी, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी जीरो होगा। कोएफिशिएंट ऑफ आर अगर देखें तब क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ आर कंपेयर कीजिए दोनों तरफ, इधर कोएफिशिएंट ऑफ आर निकाले कितना मिल रहा है, टू ए, अब अगर टू ए मिल रहा है प्लस कितना मिल रहा होगा, टू बी मिल रहा है, आर कोएफिशिएंट ऑफ आर निकाले तो कितना मिल रहा है, यहां से देखो ए मिलेगा प्लस टू बी मिलेगा, ए प्लस टू बी आ रहा है और आर का कोएफिशिएंट यहां कितना मिल रहा है, सी माइनस टू बी, और c माइनस टू डी आर का कोएफिशिएंट यहां पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में वन है। और आखिरी में कोएफिशिएंट कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो कॉन्स्टेंट टर्म को अगर कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में b प्लस डी मिल रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट है ही नहीं, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करके ए बी और सी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है सर, एक बार कोशिश कीजिए, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी डी, तो वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू बी, ए का वैल्यू जीरो आ रहा है, बी का वैल्यू कितना आएगा, वन बाई फोर, सी का वैल्यू जीरो और डी का वैल्यू माइनस वन बाई फोर। सॉल्व साइमल्टेनियसली, तो यहां पे हमारे पास फोर इक्वेशन और फोर अननोन्स हैं, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए बी सी डी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए विल बिकम जीरो, वैल्यू ऑफ सी विल बिकम जीरो। चलो एक कोशिश करेंगे अपने से एबीसीडी का वैल्यू निकालने की। अब एबीसीडी का वैल्यू अगर निकल जाता है तो यहां पे वैल्यू पुट अप कर दें और इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, एक बार ट्राई कीजिए। तो जब भी दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं है, तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपको और ये लेंथी क्वेश्चन होगा। लेकिन अब यहां पर ट्रिक ये है, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर आप आर स्क्वायर माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस आर को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो जल्दी से शॉर्टकट भी पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है। अब मैं ए और सी का वैल्यू अगर जीरो रख देता हूं और बी के प्लेस से वन बाई फोर और डी के प्लेस से माइनस वन बाई फोर रख देता हूं तो टी आर का जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, हेंस टी आर को हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे कि ये वन बाई फोर अलग हो गया और यहां पे पहले वाले में आ रहा है वन अपॉन टू आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन और दूसरा आ रहा है माइनस वन अपॉन 2R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1। जरा लिखो और इस तरह से अगर हम लोग कर पाते हैं तो फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा वो यहां पे R का फंक्शन बनेगा और दूसरा वाला जो पार्ट आएगा वो R प्लस 1 का फंक्शन बनेगा। लिख लीजिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑन द वे है। आप देखें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में शॉर्टकट मैंने बताया लेकिन आप पूरा प्रोसीजर अगर फॉलो करेंगे तो इस तरह से एबीसीडी का वैल्यू निकाल के पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे। और इस सीरीज का सिग्मा करने के लिए इस टी आर को हमें डिफरेंस फॉर्म में रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक आर का फंक्शन बनेगा और अगला आर प्लस वन का फंक्शन बनेगा। अगर ऐसा कर पाते हैं
इसका सिग्मा टी आर हम आसानी से कर सकते हैं। जरा करके देखिए, यहां पे हमने जो शॉर्टकट बताया था आपको इसके पहले पिछली क्लासेस में, कि जब भी आर स्क्वायर माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस आर दिख जाता हो तो वहां पे जल्दी से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक कर पाते हैं, ध्यान रखिए बड़ा शॉर्टकट ट्रिक है, ऐसे सवालों में इस तरह से कर सकते हैं। तो पहला वाला पार्ट यहां पर बन जाता है 1/2 r² - r, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अगर तो 2r² - 2r+1 अलग कर लो और 1/2 r² + 2r+1 अलग कर लो। लेकिन ये करने के लिए शर्त होनी चाहिए कि r² - r और r² + r ऑब्जर्व होना चाहिए। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया लेकिन न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 4r, हमें r चाहिए तो 1/4 करके बैलेंस भी कर सकते थे। तो यहां पे डायरेक्ट भी हम लोग शॉर्टकट से ऐसे लिख सकते थे लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है, जल्दी से कैसे लिख दिया। तो जो प्रोसीजर फॉलो होगा वे इस तरह से प्रोसीजर फॉलो होगा और एबीसीडी की वैल्यू निकालने के लिए हम जल्दी से ना लिख के पूरा प्रोसीजर फॉलो करके एबीसीडी निकाल के यहां पे ऐसे किए। तो इस तरह से करना भी एक तरीका है, अगर आप याद कर लेते हैं कि r² - r और r² + r आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो सिग्मा करने के लिए ब्रेक करना आसान है, तो ऐसे शॉर्टकट भी ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा प्रोसीजर फॉलो करें तो मिलेगा। और इसका जो सिग्मा टी आर करेंगे तब क्या मिलेगा, तो सिग्मा टी आर करेंगे पहला वाला आर का फंक्शन है, दूसरा वाला आर प्लस वन का फंक्शन है, तो सिग्मा टी आर कितना आएगा। जैसे हम सिग्मा टी आर करेंगे तो आर की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू एन रखनी है, तो बताइए लोअर लिमिट 1 को अगर फर्स्ट वाले में रखते हैं तो क्या मिलेगा, तो फर्स्ट वाले में अगर रख देते हैं तो 1/1 आ रहा है और एन को दूसरे वाले में रखें कितना मिलेगा, 1/2n² + 2n+1 मिल रहा है। अब यहां पे बोल रहा है कि n को अगर इनफाइनाइट कर दें, तो n को अगर इंफिनिटी कर दें तब क्या होगा, तो अब जरा देखिए कि n के प्लेस पे अगर इनफाइनाइट कर दें तब क्या मिल रहा है, Sn की वैल्यू है, इसलिए s इंफिनिटी विल बिकम 1/4, क्यों, क्योंकि यहां पे इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और मैंने बताया इस सीरीज में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक सम करेंगे तो इसका आंसर 1/4 आएगा, जो कि रियल और फाइनाइट है, इसलिए सीरीज जो होगा कन्वर्जिंग सीरीज होगा। तो शॉर्टकट क्यों कर पाते हैं अगर कोई पूछेगा, तो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन आप समझा सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके इसको सम किया गया है, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विल बिकम 1/4 और सम ऑफ एंड टर्म्स विल बिकम दिस। प्रथम त्रिपाठी सही निकाले हैं, सिद्धांत भी सही निकाले हैं, ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश करें, आना चाहिए, ठीक है, ट्राई करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विल बिकम 1/4। इस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को लर्न कर सकते हैं। मैंने आज शीट दिया है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 10-11 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आसानी से आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना सीखेंगे। कुछ टाइप के फार्मूले दिखे गए हैं कि इस तरह का अगर डिनोमिनेटर होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, इस तरह का डिनोमिनेटर होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, अब उस बेसिस पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज जीरो, नॉट जीरो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विल बिकम, दिस पार्ट विल बिकम जीरो एंड दिस पार्ट विल बिकम 1/4, तो करेक्ट आंसर इज 1/4, नॉट जीरो। दिव्यांश यादव सही निकाले हैं सम ऑफ एंड टर्म्स, अच्छा सम ऑफ एन टर्म्स विल बी दिस, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालेंगे तो एन के प्लेस पे इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, ध्यान रखिए अगर सम ऑफ 10 टर्म्स पूछता तो एन के प्लेस पे 10 रख देते, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछ रहा है तो एन के प्लेस पे इनफाइनाइट रख देंगे, जब इनफाइनाइट रखेंगे तो दिस पार्ट विल बिकम जीरो, आंसर विल बिकम 1/4, नॉट जीरो, ठीक है। कनक शर्मा अलग से आंसर, सबका सेम आंसर आना चाहिए। प्रथम त्रिपाठी सही निकाला है, दिव्यांश यादव सही निकाल रहा है, अरे ग्रुप पे हमने भेजा है, ठीक है सिद्धांत, हमने ग्रुप पे पार्शियल फ्रैक्शन की शीट भेजी है, पार्शियल फ्रैक्शन की शीट है, उसमें 11 क्वेश्चन दिए गए हैं,
पार्शियल फ्रैक्शन को लर्न करने के लिए आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, केवल पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है उसको वहां पे सीखना है, सीरीज में कैसे अप्लाई करना है वो हम कुछ क्वेश्चन करके बताएं, ठीक है? गुड, नोट कर लीजिए। विशाल यादव बहुत स्लो है, ठीक है, तेजी से करिए। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो हमने देखा कि जब भी किसी सीरीज में Tn का नेचर P by Q टाइप का हो, P by Q टाइप का Tr हो और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम हो, तो तुरंत में दिमाग में उस सीरीज को सम करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का ख्याल आना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए दो टाइप के सवाल बताए गए, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो न्यूमरेटर में उसका करेस्पॉन्डिंग लीनियर फंक्शन को असाइन करना पड़ेगा, और अगर लीनियर फंक्शन है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट को असाइन करना पड़ेगा, और अगर लीनियर फैक्टर रिपीटेड है, मान लो एल थ्री स्क्वायर है या एल थ्री का पावर थ्री है, तो एल थ्री स्क्वायर था तो वहां पे मैंने बताया सी अपॉन एल थ्री प्लस डी बटा एल थ्री स्क्वायर करके फॉर्मुला बनाएंगे, दोनों तरफ के डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे और न्यूमरेटर को आइडेंटिकली इक्वल कर लेते हैं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो कंपेयर करके एबीसीडी का वैल्यू निकाल लेंगे, और एबीसीडी का वैल्यू निकालते एक खास बात आपको दिखेगी कि एक आर का फंक्शन बन रहा होगा और अगला आर प्लस वन का फंक्शन बन रहा होगा, तब सिग्मा करना बड़ा आसान होगा। इसमें r बराबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यानी r बराबर 1 रखेंगे और अपर लिमिट को दूसरे वाले बड़े वाले कंटेंट में रख देंगे और डायरेक्ट आंसर आएगा। तो लोअर लिमिट को छोटे वाले डोमेन में ध्यान रखें, यहां पे r छोटा है, r प्लस 1 बड़ा है, अपर लिमिट को यहां रख देंगे तो डायरेक्टली इसका सम आ जाएगा। तो इस तरह से कॉर्नर को कलेक्ट कर सकते हैं और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को निकाल सकते हैं। और शॉर्टकट क्या है, आपको अगर आर स्क्वायर माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस आर का ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है, जल्दी से इसको इधर से ब्रेक कर लीजिए, इसको इधर से ब्रेक कर लीजिए, बीच में माइनस रख दीजिए और 4r आ रहा है न्यूमरेटर में, उसको बैलेंस करने के 1 बाई 4 कर सकते हैं। जो काम ने यहाँ पे एक पेज में किया है वो एक लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन तब ऐसा कर सकते हैं जब r स्क्वायर माइनस r और r स्क्वायर प्लस r दिख रहा हो, ऐसा नहीं दिख रहा होगा तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने जनरल तरीका आपको यहाँ पे बताया, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और रेशनल टाइप के सीरीज के लिए हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सम ऑफ एन टर्म्स निकालना भी आसान होगा और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना भी आसान होगा। तो 11 क्वेश्चन में अभी डीपीपी में दिए हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे। हाँ, अभी रेशनल खत्म हो गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अरिथमेटिक, इसके पहले हमने एक मेथड डिफरेंस में एक टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं जिसमें कि टीएन के लिए एपी का फॉर्मूला कुछ देर के लिए इस्तेमाल हो पा रहा है, न्यूमरेटर के लिए अलग डिनोमिनेटर के लिए अलग इस्तेमाल हो रहा है। तो मेथड डिफरेंस को हमने रेशनल टाइप के सीरीज में अप्लाई किया। अब हम लोग इसी मेथड ऑफ डिफरेंस को आगे यूज करेंगे अगला सीरीज में, जिसको एक्सपोनेंशियल टाइप का सीरीज होगा, उसका नाम हम लोग रखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब टी आर का नेचर एक्सपोनेंशियल होगा। तब उसमें क्या करते हैं उसके लिए हम लोग बात करेंगे और कैसे सम करते हैं, कैसे टी एन पे क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अटेम्प्ट करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप सबको रेशनल सीरीज समझ में आया होगा और इसका मेन कंटेंट पार्शियल फ्रैक्शन है। कुछ सवालों में शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ सवालों में जनरल तरीका अप्लाई कर सकते हो, और जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा उसके बेसिस पे आप सोल्यूशन प्लान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टाइप के सीरीज की बात करेंगे जिसका सीक्वेंस फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा, और उस सीरीज का नाम हम लोग रखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें मेथड और डिफरेंस कैसे हेल्प करता है सम करने में और टीएन पे किस तरह के सवाल बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।